जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार जीके जीएस बाई प्रबल सर में। मैं प्रसून आज आप लोगों का एक बार फिर से आपके साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही होगी। जितने भी साथी हैं सभी लोग इस क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें आप सभी लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन को भी सीखेंगे, साथ ही साथ आपके ज्ञान में कुछ ना कुछ वृद्धि जरूर होगी। अगर आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहें तो आप साइंस के मास्टर जरूर बन जाएंगे। मास्टर का मतलब आप लोग समझते हैं, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपके पास बहुत बेहतरीन हो जाएगी। जितने भी लोग हैं सभी लोगों का स्वागत करते हुए आज के इस क्लास की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आप सभी लोग बेहतर तरीके से आंसर कीजिएगा, नहीं आएगा मैं बताऊंगा, परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक एक करके सभी लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं तो आप लोगों को पेशेंस रख के क्वेश्चन का आंसर करना होगा। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर देते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के। अब पहला प्रश्न आपके पास क्या है जरा सा पढ़िएगा। यूपीएससी 2006 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे? देखिए जरा सा क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी होती है। बहुत ही आसान किस्म का प्रश्न है, लेकिन जरा सा ध्यान देना होगा। क्या इसका 70 × 10⁵ किलोमीटर, 100 × 10⁵ किलोमीटर, 110 × 10⁶ किलोमीटर और 150 × 10⁶ किलोमीटर? तो मेरे प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, यहाँ पे जरा सा ध्यान देना अच्छे से, और इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ अगर जाएंगे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। तो याद रखना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग की बात करें तो 150 × 10⁶ किलोमीटर होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन आप लोगों से ये पूछा जाए, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि मान लीजिए कि सूर्य के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? सूर्य के बारे में पूछा जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर बात करते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी आपकी कितनी होती है? अगर आपसे किसी ने पूछा तो आपका जवाब क्या आएगा? जरा सा ध्यान देना मेरी बातों पे। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी के बारे में बात करते हैं तो ये कितनी होती है आप सभी को पता होना चाहिए। 14.70 करोड़ किलोमीटर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? 14.70 करोड़ किलोमीटर की बात करते हैं। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? अधिकतम दूरी के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। अब अगर बात किया जाए सूर्य के मध्य से अगर बात करते हैं, किसके बारे में बात करें? ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, पृथ्वी के मध्य से, माफ कीजिएगा, पृथ्वी के मध्य से सूर्य की दूरी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? पृथ्वी के मध्य से अगर बात किया जाए, ठीक है जी, सूर्य के दूरी के बारे में बात करें तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका कितना होता है। तो ये भी बात आप लोग याद रखेंगे, कितना होता है भाई साहब? 14.98 करोड़ किलोमीटर के बारे में बात करें। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। यहां तक की बातें आपको समझ आ गई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब देखिए आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए सूर्य के व्यास के बारे में बात किया जाए। किसके बारे में? सूर्य का व्यास कितना होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए 13,92,000 के बारे में बात करते हैं, किलोमीटर की बात करें, ये आपका सूर्य का व्यास होता है। ठीक है जी, सूर्य की सतह पर अगर ताप के बारे में बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सूर्य की सतह पर अगर हम लोग ताप के बारे में बात करें तो ये कितना होता है? 6,000 डिग्री सेल्सियस के बारे में बात करते हैं। इसको भी याद रखेंगे। साथ ही साथ आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाएगा भाई साहब, कि सूर्य के बारे में बात करते हैं और सूर्य के आयतन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? सूर्य का जो आयतन होता है वो आपके पृथ्वी के आयतन का अगर बात करें, किसके बारे में बात करते हैं? पृथ्वी के आयतन से कितना होता है भाई साहब? 13,00,000 किलोमीटर के बारे में बात करते हैं। किसके 13,00,000 अगर बात करें, 13,00,000 गुना क्या होता है? अधिक होता है, माफ कीजिएगा,
13 लाख गुना जो होता है, किसके बारे में बात करें, यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिए, 13 लाख गुना अधिक होता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। 13 लाख गुना क्या होता है, अधिक होता है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब अगर बात करते हैं, क्या बात पूछे, अगर आपसे इसके स्पीड के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि इसमें स्पीड आपका कितना होता है, 3 × 10⁸ कितना होता है, किलोमीटर पर सेकेंड के बारे में बात करते हैं, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। ठीक है जी, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड के बारे में बात करें, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो ये सारी की सारी आपकी बातें पता होनी चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लिए चलता हूँ। अगला क्वेश्चन जरा सा पढ़िए और ये बहुत ही बेहतर बेहतर क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। क्वेश्चन को अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर भी कर पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा आंसर करना। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। बोल रहा है कि यदि मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग कैसा होगा। ये बहुत ही बेहतर तरीके का क्वेश्चन है। किसके बारे में बात करें, मैजेंटा के बारे में बात करते हैं और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग जो होगा वो आपका लाल होगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बोला यदि सायन के बारे में बात करते हैं जिसको हरिताभ नीला कहा जाता है और मैजेंटा के बारे में बात करें, रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग क्या होगा, नीला होगा। यानी कि मैजेंटा और पीले रंग की बात करें, एक दूसरे को काटेंगे तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। फिर सायन और मैजेंटा एक दूसरे को एक मतलब पॉइंट पे काटेंगे तो वहां पे जो उसका एक क्षेत्र बनेगा वो कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा। कहने का मतलब क्या है कि इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, सही है। तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपके पास सी आ जाएगा, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब देखिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आप लोग इसके बारे में अगर बताना चाहें तो बता दीजिए, क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको जरा सा पढ़िए, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है जरा बताएंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगर कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर यानी कि कोब के बारे में बात किया जाए, इसके बारे में बात करें तो यह एक प्रकार का उपग्रह कार्यक्रम है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है और ये 100% आपका सही है। फाल्कन के बारे में बात करते हैं तो समुद्रगत केबल यंत्र है, ये तो आप सभी को पता होगा, यानी कि ये भी भाई साहब एकदम 100% आपका सही है। अगर बात करते हैं तो ये आपके डिस्कवरी के बारे में बात किया जाए तो ये स्पेस शटल के तौर पे देखे जाते हैं और ये आपके अमेरिका की जो अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है उसके आपके क्या देखे जाते हैं, अंतरिक्ष शटल के तौर पे आपके डिस्कवरी को देखा जाता है। और इसी में आपके अटलांटिस के बारे में अगर बात किया जाए तो ये अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी के बारे में बात किया जाए उसके एक आपके क्या है, अंतरिक्ष शटल के तौर पे देखे जाते हैं, जो कि हाल फिलहाल में देखा जाए तो इन सबको आपका क्या कर दिया गया है, बंद करा दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर डी ही जाएगा। और याद रखना है आज के बाद कि ये अटलांटिस क्या है, एक अंतरिक्ष शटल के तौर पे देखा जाता है और ये किससे संबद्ध है, तो ये आपके अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी से है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो चाहे डिस्कवरी चाहे अटलांटिस की बात करें, इन सबको अब क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। चलिएगा आपके सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 को जरा सा पढ़िए। ये सारे क्वेश्चन इतने मजेदार हैं कि मैं अपने शब्दों से इसको बयां नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब इसको बनाएंगे तो आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज यूज्ड बाय कंप्यूटेड टोमोग्राफी के बारे में बात करें। कंप्यूटेड टोमोग्राफी का मतलब क्या है, इसके साथ अगर बात करें तो या तो इसको आप कैट बोलते हैं या तो सीटी बोलते हैं, सीटी स्कैन के बारे में आप लोग चर्चा करते हैं ना, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज यूज्ड बाय कंप्यूटेड टोमोग्राफी एम्प्लॉयड फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसमें से किसका आप प्रयोग करते हैं, क्या एक्सरे, क्या साउंड वेव्स, क्या मैग्नेटिक रेजोनेंस, क्या आपके रेडियो आइसोटोप्स की बात करें, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी के सभी साथी सही बताएंगे।
और इसका संबंध आपके किससे है, एक्स रेज से है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। किससे संबंधित है भाई साहब, एक्स रेज से है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब आप लोगों के अंदर एक दिमाग आएगा कि सर आपने एक बात का जिक्र किया सीएटी का, अच्छा ये सीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है, है? आपसे पूछा जाएगा ना, तो इसका सीएटी का क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड एक्सियन टोमोग्राफी के तौर पे देखा जाता है। और ये आपके क्या इसको बोलिए या सीटी स्कैन के बारे में बात किया जाए, दोनों के दोनों एक दूसरे से ही रिलेटेड है, जिसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी के तौर पर देखा जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लेना। अब देखिए आप लोगों को मैंने बताया था, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया था, आप लोग जरा सा इस क्वेश्चन को देखिए। बोला कि निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे। सभी को जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। जुड़ जाओ फिर से उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ, जहां पे आपने उस अपने जोश और जुनून को छोड़ा था। लग जाओ अपने मेहनत में, क्योंकि आपको सफल होना है। अगर आप थोड़ी सी लेट कर दिए तो आपको पछाड़ के आगे निकलने वाले बहुत सारे साथी आ जाएंगे, क्योंकि भाई साहब कंपटीशन बहुत टफ है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग सच में बहुत पीछे हो जाएंगे। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है, सोडा कांच ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, पाइरेक्स ग्लास ये बिल्कुल नहीं कर सकता है, जेना ग्लास बिल्कुल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर सही आंसर के बारे में बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्रूक्स कांच के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड रुकेंगे। ठीक है, तो क्रूक्स कांच इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है जी, अब अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए ये आपके परावैगनिक किरणों के खोजकर्ता के तौर पे किसे देखा जाता है, तो क्या आप बता पाएंगे इस प्रश्न का आंसर। तो परावैगनिक किरणों के अगर बात करते हैं तो इसके खोजकर्ता के तौर पे रीटर को देखा जाता है। किसको देखा जाता है भाई साहब, रीटर को देखा जाता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और सूर्य के जो परावैगनिक किरणें होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, वो हमारे क्या होती है भाई साहब, ये हमारे त्वचा पे क्या करती है, वार करती है। और त्वचा पे वार करने के उपरांत क्या होता है, हमको त्वचा कैंसर की समस्या हो जाती है। लेकिन इन सूर्य के परावैगनिक किरणों से बचाने का काम हमें कौन करता है भाई साहब, तो उसका नाम क्या है, ओजोन लेयर के बारे में बात करते हैं। और ओजोन लेयर में भी आपको होल देखने को मिल रहा है, अगर ओजोन लेयर में होल दिन प्रतिदिन बढ़ते गया तो भाई साहब प्रलय आ जाएगा। प्रलय इन द सेंस भाई साहब बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, कैंसर के शिकार हो जाएंगे, और भाई साहब दुनिया में अफरा तफरी वाली समस्या हो जाएगी। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लिए चलता हूँ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है, क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज नॉट अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसमें से कौन आपका जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात किया जाए तो वो आपका कौन हो जाएगा, इसके बारे में बताइए। तो क्या सल्फर के बारे में बात करते हैं तो ये तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ब्रोमीन के बारे में बात करें ये भी बैड कंडक्टर है भाई साहब, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। फास्फोरस के बारे में बात करें तो ये भी बैड कंडक्टर है, लेकिन सेलेनियम के बारे में बात करते हैं तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सेलेनियम के बारे में बात करते हैं तो ये आपके विद्युत का मंद चालक नहीं बल्कि तीव्र चालक के तौर पर देखा जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेलेनियम हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत उम्दा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है इसमें आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़ना है, कोई भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपके कॉमन सेंस का यूज करना है, देन आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बोला है कि थ्री समान पात्र ए बी और सी क्रमशः जल पारा और मिट्टी के तेल से एक ही स्तर तक भरे जाते हैं, किसके बारे में, जल के बारे में बात करें, पारा के बारे में बात करें और मिट्टी के तेल से एक ही स्तर तक भरे जाते हैं, तीनों पात्रों के आधारों पर समान टोटियां लगी हैं, बिल्कुल सही है। यदि तीनों टोटी एक साथ खोली जाए तो कौन सा पात्र सबसे पहले खाली होगा, अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, इसके बारे में आप लोगों से बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सयान बल की बात की जाएगी, अब सयान बल के साथ संबंध जोड़ा जाएगा और जो सयान बल में आपका क्या पड़ेगा, पास होगा, यानी कि सयान बल का मान जहां पे भी कम होगा
वही इसका क्या हो जाएगा, विजेता हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जल पारा और मिट्टी के तेल में अगर बात करें तो मुझे जहां तक लगता है ना कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेसल नंबर जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी कि मिट्टी के तेल के बारे में बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले आपका खाली हो जाएगा। मिट्टी का तेल जो है आपका क्या हो जाएगा, पहले खाली हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऐसा क्यों होता है आपको पता होना चाहिए ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी वी कैन क्या बोलते हैं, वी कैन असाइन दैट द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्या बात है भाई साहब, पारा की बात करें, जल की बात करें और मिट्टी के तेल की बात करें। सबसे पहले पता करो कि सबसे पहले घनत्व के बारे में बात करते हैं तो सबसे कम घनत्व किसका होगा, किसका कम घनत्व होगा, जिसका कम घनत्व होगा उसके साथ सायन बल के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसके बारे में बात करें तो सायन बल का मान जो होगा वहां पे, विस्कस फोर्स के बारे में बात करते हैं वो भी क्या होगा, कहीं ना कहीं कम होगा। और जहां पे विस्कस फोर्स की बात करें कम होगा तो वहां पे सबसे पहले वो पात्र आपका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। राजेश जी मैंने आपको यही बात बताया कि सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि इनमें से सबसे कम घनत्व किसका होगा। तो मिट्टी के तेल का घनत्व क्या होगा भाई साहब, कम होगा। तो मिट्टी के तेल का घनत्व अगर कम होगा, जिसको केरोसिन कहा जाता है, तो सबसे पहले उसी का पात्र क्या होगा, खाली होगा, क्योंकि उस पर लगने वाला जो सायन बल है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके अपेक्षा में, तो जल और पारा की अपेक्षा में। इसलिए विजेता कौन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता। अच्छा बताइए आप लोग, इसमें से रजत का मतलब किसके साथ बात करें, सिल्वर के बारे में बात करते हैं, इनमें से किसमें आपके रजत की मौजूदगी नहीं होती। हर्न सिल्वर में भी आपके सिल्वर की मौजूदगी होती है, बिल्कुल सही। रूबी सिल्वर में भी आपके सिल्वर की मौजूदगी होती है, बिल्कुल सही। लूनर कास्टिक में भी आपके सिल्वर की मौजूदगी होती है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो जर्मन सिल्वर में आपके सिल्वर की मौजूदगी नहीं होती है। और जिसमें सिल्वर की मौजूदगी नहीं होती है वही इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और जर्मन सिल्वर में मौजूदगी होती किसकी है भाई साहब, तो कॉपर की बात करें, निकेल की बात करें और जिंक की बात करें। किसके बारे में बात करते हैं, कॉपर की बात करें, निकेल की बात करें और जिंक की बात करें, इनकी मौजूदगी होती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। और कोई भी साथी गलत नहीं करेगा क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प यानी कि फिलोसफर्स उल्स कहलाता है। तो ये तो जगते सोते सभी समय आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। क्या आपको जिंक ब्रोमाइड होगा, बिल्कुल नहीं। जिंक नाइट्रेट होगा, बिल्कुल नहीं। जिंक क्लोराइड होगा, बिल्कुल नहीं। तो जब बिल्कुल नहीं तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, यानी कि जिंक ऑक्साइड को ही यशद पुष्प के नाम से जाना जाता है। इसको आप सभी लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो आप सभी लोगों को पता चल गया कि यशद पुष्प के बारे में बात करते हैं तो इनमें से कौन आपका सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा आरडीएक्स के बारे में बात किया जाए। किसके बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है। आरडीएक्स के अन्य नाम के बारे में अगर बात करते हैं तो इनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है जी। आरडीएक्स के बारे में अगर बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव के बारे में बात किया जाए। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। क्या होगा भाई साहब, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव यानी कि आपके विस्फोटक के तौर पे इसको देखा जाता है। और इसी के नाम के बारे में बात किया जाए तो इसका नाम क्या है, साइक्लोनाइट के तौर पे देखा जाता है। और इसको अमेरिका में साइक्लोनाइट के तौर पे देखा जाता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। किसके नाम पे, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और मैंने इस बात को आपको कम से कम 50 बार बताया होगा कि अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आपके आरडीएक्स को किस नाम से जाना जाता है, तो साइक्लोनाइट। आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव के बारे में बात करते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि बताइए जर्मनी में आरडीएक्स को किसके नाम से जाना जाता है, तो हेक्सोजन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, हेक्सोजन के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही शानदार। वही जोश आपका चाहिए जो शुरुआती दौर में आपका जोश था, गर्दा गर्दा ना उड़ा दिया ना भाई साहब साइंस में, तो फिर बताना मेरे को कि क्या बोला था मैंने।
अब अगर आप लोगों से पूछा जाए जर्मनी में इसको किसके नाम से, तो हेक्सोजन के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और इटली के बारे में बात करें तो इसको T4 के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? T4 के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपके पास आता हुआ, गजब का क्वेश्चन है भाई साहब, जरा बताना, मजा ना आ गया तो फिर बोलना भाई साहब। डेल बर्जिया के बारे में बात करते हैं। डेल बर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी या बीपीएससी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ताकि पता चले कि आपने कितने डेप्थ में पढ़ाई किया हुआ है। तो बताइए डेल बर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? तो डेल बर्जिया का संबंध आपके किससे है बाबूजी? तो इसका संबंध जो है ना, ये आपके शीशम से है। यानी कि अगर आज के बाद आपसे पूछा जाए कि डेल बर्जिया किसकी प्रजाति के तौर पे देखी जाती है, या डेल बर्जिया जाति किससे संबंधित है, तो ये आपके शीशम से संबंधित है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर आपके पास क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। घटपर्णी के बारे में बात करते हैं, जिसको कीटभक्षी पौधा के तौर पे देखा जाता है, या अगर बात करते हैं तो इसको मांसाहारी पौधे के तौर पे देखा जाता है। और ये अक्सर कहाँ पे पाए जाते हैं? जहां पे नाइट्रोजन की, जिस आपके मिट्टी में नाइट्रोजनी अगर बात करते हैं पदार्थों की कमी होती है, वहां पे इसकी उपस्थिति आपके देखी जा सकती है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? स्तंभ, अनुपर्ण, लीफ और आपके पेटियोल यानी कि पर्णवृत्त के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिए। आप सभी साथी अच्छे तरीके से याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब क्या स्टेम होगा? बिल्कुल नहीं। स्टिप्यूल होगा? बिल्कुल नहीं। लीफ होगा? बिल्कुल सही। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा था कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो लीफ के बारे में बात करें, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यानी कि पत्ते से इसका संबंध आप लोग जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? अब ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा गया था। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पे अपना कमांड कर लिया, तो बीपीएससी के भी बहुत सारे क्वेश्चन उससे रिपीट कर जाते हैं। अन्य आपके जो आयोग होते हैं, राज्य स्तर के आयोग, वो भी आपके यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का रेफरेंस लेके कहीं ना कहीं क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इससे आपको फायदा मिल सकता है, अगर आपका इस पे कमांड हो गया तो। नहीं हुआ तो आप भटकते रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था और ये यूपीएससी 2006 का क्वेश्चन है। यूपीएससी 2006 या 2007 का है, अब कंफर्म नहीं हूं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 2006 या 2007 का ये क्वेश्चन है, इसको जरा सा ध्यान देना। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो वायलेट एंड ऑरेंज बिल्कुल गलत बात है। ब्लू एंड रेड के बारे में बात करें तो मैंने आपको बी आर चिल्लाया था और आप लोगों को याद होगा। तो इसमें अगर बात करें तो ब्लू और रेड के बारे में बात करते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का बहुत ही मजेदार आंसर है और ये VVI क्वेश्चन है, फिर से आपके एग्जाम में रिपीट कर सकता है। इसको आप लोग याद रखिएगा और इस पे आप लोग स्टार जरूर लगा लीजिएगा। इस पे आप लोग स्टार जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि ये स्टार वाला क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकने की फिर से संभावना बन रही है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए निभाजी अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोल रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? कौन सा रक्त के बारे में बात करते हैं? कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? यानी कि इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करें? रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करने का काम कौन करता है? तो क्या इसमें ग्लूकागॉन करता है, क्या ग्रोथ हार्मोन करता है, क्या पैराथायराइड हार्मोन करता है, क्या आपके थायरोक्सिन करता है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? ये भी क्वेश्चन बहुत उम्दा प्रकार का है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो इस पे भी मैं बोलूंगा कि आप लोग जरूर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। और इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? पैराथायराइड हार्मोन के बारे में बात करते हैं, इसका सही आपका जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर में
कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रक्त कैल्शियम और फास्फेट को क्या करता है, विनियमित करता है, तो उसका नाम क्या है भाई साहब? पाराथायराइड आपके हार्मोन के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिएगा बाबूजी अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लिए चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा पढ़ो। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? इन ह्यूमन बींग्स नॉर्मली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स डज द स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम के बारे में बात करते हैं, तो बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपके पास क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो आप लोग बता सकते हैं क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्या पूछ रहा है फिर से पढ़ो। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, तो क्या आपके सर्विक्स में करता है? बिल्कुल भी नहीं भाई साहब। क्या आपके फेलोपियन ट्यूब में करता है? तो मुझे तो लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका फेलोपियन ट्यूब ही हो जाएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। और मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तीसरा क्या बोले, लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस? बिल्कुल भी नहीं भाई साहब। है अपर पार्ट ऑफ यूटेरस? बिल्कुल भी नहीं। तो याद रखना है कि मानव के शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु जो होता है यानी कि स्पर्म के बारे में बात करें डिंब को निषेचित करता है, तो डिंब वाहिनी नली यानी के फेलोपियन ट्यूब से इसका संबंधित है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन को पूछता है, हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट रेस्पायर, यानी कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कीटों के बारे में पूछा जाए, तो आप लोग बताइए कि अधिकांशतः जो कीट होते हैं वो अपना श्वसन कैसे करते हैं? क्या आपके त्वचा से श्वसन करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपके क्लोम से करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या लंग्स यानी कि फेफड़ों से करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपके ट्रैकियल सिस्टम यानी कि वातक तंत्र से करते हैं? ये बिल्कुल बात सही है। यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात किया जाए तो अधिकांशतः कीट जो है वो आपके श्वसन किससे करते हैं, तो बाय ट्रैकियल सिस्टम के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास वातक तंत्र हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा सा पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिए। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर, क्या है भाई साहब? स्वेलिंग के बारे में बात करें एंड वोमिटिंग, यानी कि निगरण के बारे में बात करें और उल्टी का नियमन केंद्र के तौर पर कौन देखा जाता है, तो क्या उसका नाम सेरिबेलम है, क्या उसका नाम सेरिब्रम है, क्या उसका नाम मेड्यूला ऑब्लेंगेटा है, क्या उसका नाम पोन्स है? इसके बारे में अगर बात करते हैं तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बता सकते हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, मेंडुला ऑब्लेंगेटा के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब आपके पास क्या हो जाएगा, तो याद रखना है कि निगरण के बारे में बात करते हैं और उल्टी का नियमन केंद्र के बारे में बात करें तो मेंडुला ऑब्लेंगेटा, एमओ याद रखना है, मार्केटिंग ऑफिसर याद रखना है, यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, अब बताइए इसमें से यकृत का कार्य क्या है, किसकी उत्पत्ति होता है यकृत से संबंधित, क्या लाइपेज के बारे में बात करें, क्या यूरिया, क्या आपके म्यूकस, क्या आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करें, तो ये तो वही बात हो जाएगा कि को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, है यानी कि इसमें यूरिया के बारे में बात करते हैं। जब भी यूरिया के बारे में आप बात करते हैं ना, एक बात तो आप लोग याद रखिएगा, जब भी लीवर के बारे में चर्चा किया जाए तो ये आपके क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसका वजन जो होता है अप्रोक्सीमेटली 1.5 केजी होता है, इसको भी याद रखेंगे। और लीवर में ही विटामिन ए जो होता है वो आपका स्टोर्ड रहता है। साथ ही साथ लीवर के बारे में बात करें तो वर्ल्ड लीवर डे आपको प्रति वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और लीवर के बारे में बात करते हैं, इसमें अगर फैट बढ़ गया यानी कि फैटी लीवर के बारे में बात करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस का संबंध हो जाता है, और हेपेटाइटिस की जागरूकता को लेकर हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया जाता है प्रति वर्ष 28 जुलाई के बारे में बात करते हैं, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और यूरिया के बारे में बात किया जाए तो प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक के तौर पे
यूरिया को देखा जाता है जिसका सूत्र NH2CONH2 होता है। और यूरिया को कैसे प्राप्त किया गया था, तो जब प्रयोगशाला में आपके एक साइंटिस्ट था वोलर के बारे में बात करते हैं, उसने क्या किया, एक अकार्बनिक यौगिक को लिया और उस अकार्बनिक यौगिक का नाम क्या था, अमोनियम साइनेट के बारे में बात करते हैं। अमोनियम साइनेट को क्या किया, लेबोरेटरी में ले जाके गर्म कर दिया। अब जब गर्म किया तो उसने यूरिया को पाया और यूरिया ही प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कहलाया। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे तो आप सभी लोगों को ये बातें पता चल गई होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन जरा सा पढ़ लीजिए। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है। अब पाचक एंजाइम के तौर पे देखा जाए तो पाचक एंजाइम के तौर पे किसको किसको देखा जाता है, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि पाचक एंजाइम के तौर पे ट्रिप्सिन को देखा जाता है, पाचक एंजाइम के तौर पे आपके टाइलिन को देखा जाता है, पाचक एंजाइम के तौर पे आपको पेप्सिन को देखा जाता है। लेकिन आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा कि गैस्ट्रिन के बारे में बात करें तो इसको पाचक एंजाइम के तौर पे देखा जाता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पे किसको नहीं देखा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिन के बारे में बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, दर्द है तो आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को पता है कि मानव शरीर में अगर बात करें अवशेषी अंगों के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग अपेंडिक्स की चर्चा जरूर करते हैं। तो देखिए कहीं पे अगर बात करते हैं मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न है, तो जब द लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात किया जाए, द स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात किया जाए, द गॉल ब्लैडर के बारे में बात किया जाए, द स्टोमक के बारे में बात किया जाए। अगर आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं तो इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है। बता दीजिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। पुच्छ के बारे में बात करें तो इसका संबंध अपेंडिक्स से होता है और ये आपके किससे संबंधित होता है भाई साहब, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो राजेश जी जो नहीं सुने हैं वही तो मैं सुनाता हूँ, यही तो मेरा तरीका है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कहीं घूम जाइएगा, किसी भी बाजार में, कोई भी बड़े बड़े सेंटर पे पढ़ जाइएगा, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको यही फील होगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, यही मेरा तरीका है, यही मेरा तरीका है। शेर अभी थोड़ा सा थका हुआ है, कल से देखिए शेर में किस तरीके की एनर्जी आएगी। और गर्दा ना उड़ा दिया तो फिर बता देना भाई साहब, गर्दा ना उड़ गया तो फिर बता देना। अभी तो थोड़ा सा मैं बस, अभी तो पार्टी शुरू हो रही है इसलिए मैं आपको अभी एक्टिव कर रहा हूँ, मैं खुद को एक्टिव कर रहा हूँ। रॉबर्ट वेबस्टर के बारे में बात करें, इसके बारे में बात किया जाए, रॉबर्ट वेबस्टर के बारे में बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो रॉबर्ट वेबस्टर के बारे में बात करें तो ये आपके क्या हृदय विज्ञान, बिल्कुल भी नहीं, क्या आपके इन्फ्लुएंजा वायरस, बिल्कुल सही। तो यानी कि आप लोगों को याद रखना है, रॉबर्ट वेबस्टर के बारे में बात किया जाए तो ये आपके इन्फ्लुएंजा वायरस से संबंधित स्टडी से रिलेटेड है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो ये आपके पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए हुआ कुछ नहीं है मेरी एनर्जी को, हुआ यही है कि मैं भाई साहब लगातार 3 दिनों तक ट्रेन का सफर किया, अभी मैं मतलब खड़ा हूं ना तो लग रहा है कि ट्रेन चल रहा है मेरे दिमाग में, तो वो थोड़ा सा एक फोबिया हो जाता है। धीरे धीरे वो खत्म भी हो जाएगा। कल भी नहाया हूँ, आज भी एक बार नहाऊंगा तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्थिति बेहतर होगी, और फिर कल भी नहा लूंगा थोड़ा सा तो और अच्छा लगेगा। दिमाग भारी सा हो गया है, ठीक है, इस दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा, केवल नींद और केवल नींद ही आ रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें भी सिखा पाऊं, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बाकी बातचीत नहीं पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ द 3 स्ट्रक्चरल पार्ट्स गिवन बिलो ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में क्षुद्रांग के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही आपके क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब समझते हैं, सबसे ज्यादा से सबसे कम।
इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे कम से सबसे ज्यादा के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपका कौन सा ही होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया है और मैंने बताया था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो आपको याद रखना है आईजेडी। क्या याद रखना है, आईजेडी के बारे में बात करें। आई फोर क्या होगा, इलियम। जे फोर जेजुनम। डी फोर क्या हो जाएगा, ड्यूडेनम के बारे में बात करते हैं। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर आपसे पूछे ना, लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे, तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर आपके पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वही इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो आपको याद रखना है डीजेआई के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, डीजेआई। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो आईजेडी के बारे में बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नहीं नहीं नहीं, रेस्ट कितना किया जाएगा है, डबल स्टार भी तो अपना सपना है, वो सपना भी तो दूर हो जाए। सब कोई पढ़ेगा, हम लोग सोएंगे तो फिर हम लोग थोड़ा पीछे नहीं हो जाएंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बात समझ पा रहे हैं, तो जान लगा देना है, जाने नहीं देना है। सोते सोते भी हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है जी। इसको आप लोग याद रखिएगा, लगता है कोई नजर जरूर लगा दिया है, इसीलिए मैं दाढ़ी उड़ी नहीं कटवाता हूँ। खैर कोई बात नहीं, चलता है, सब समय का पहिया है, समय का कुछ चक्र है, ये चलता रहेगा। खैर चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ। अब हम लोग क्या आ गए भाई साहब, साइंस एंड टेक के बारे में बात करें, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। बोला कि निम्नलिखित कथनों पर जरा विचार कर दो और बताओ कि इसमें से कौन सा आपका सही है। इसके बारे में आप लोगों को बता देना है कि कौन सा सही हो जाएगा। इसके बारे में आप लोग जरा सा बताइए कि क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए, इन द ईयर 2006 इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड अ फुल फ्लैग्ड क्रायोजेनिक स्टेज इन रॉकेटरी, यानी कि वर्ष 2006 में भारत ने रॉकेट कार्यक्रम में पूर्ण निम्न ताप अवस्था का सफल परीक्षण किया, ये अगर बात आपसे पूछा जाए तो क्या ये स्टेटमेंट आपके सही है, तो बोलेंगे जी सर जी बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, संयुक्त राज्य अमेरिका रूस और चीन के बाद भारत ही केवल एक ऐसा देश है जिसने रॉकेट कार्य क्षेत्र में निम्न ताप अवस्था के प्रयोग की क्षमता प्राप्त कर ली है, ये बिल्कुल गलत जवाब है भाई साहब। यानी कि केवल स्टेटमेंट नंबर वन जो है आपका सही है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब अमेरिका रूस और चाइना के बाद भारत ही इस स्थिति में है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इसमें फ्रांस भी है, जापान भी है, चीन भी है, अमेरिका भी है, रूस भी है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और जो बोथ राइट बोल रहा है ना, उसको गर्म पानी में ना उसका ये थोबड़ा ये घुसा घुसा के मारो भाई साहब, है पढ़ता नहीं है, सब दिमाग में तो लगा ले रहे भाई है। आप जापान से कब हमारा बेहतर टेक्नोलॉजी हो गया रे भाई है, जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत हम लोगों से आगे है। बच्चा सब पैदा लेता है तभी से वो सब टेक्नोलॉजी जानने लगता है, हैं? तो ऐसा बोलना कि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके बाद रूस, उसके बाद चीन और जापान कहाँ गया आपके घर गया, फ्रांस कहाँ गया आपके घर गया। फ्रांस से ना हम लोग राफेल विमान लेके आए, तो उसका टेक्नोलॉजी हमसे अच्छा ना था जी है, हमसे अच्छा था तो पहले हमसे वो विकसित हुआ कि हम ही इसके बाद आ गए। तो चौथा स्थान पे हम नहीं है, छठा सातवां स्थान पे है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब क्या है बबुआ जी, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको जरा सा ध्यान रखना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बता दीजिए। इन इंडिया रेड पांडा इज नेचुरली फाउंड इन द वेस्टर्न हिमालय ओनली, जो बोले उसको पकड़ना, मारना दो थप्पड़ खींच के भाई साहब। बोला कि सर अच्छा एक बात बताओ कि भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में केवल पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। बोला मार के थोबरा लाल कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, ना सर जी ऐसा नहीं है। ये किस तरफ पाया जाएगा, असम के बारे में बात करें, ये किस तरफ पाया जाएगा, सिक्किम के बारे में बात करें, ये किस तरफ पाया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर लीजिए। तो ये थोड़ा सा चलेबुल होगा मामला, ये थोड़ा सा चलेबुल होगा मामला, लेकिन केवल पश्चिमी हिमालय, बाप रे बाप, ये तो ब्लंडर गलती होगा। तो रेड पांडा प्राकृतिक रूप में कहाँ पे पाया जाएगा बाबा, बोलो मैंने क्या बोला, असम, बोलो मैंने क्या बोला, सिक्किम, बोलो मैंने क्या बोला, अरुणाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया सर, आप तो बहुत शानदार बोल रहे हो। मैंने बोला जी भारत में स्लो लोरिस के बारे में बात करें, उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, ये बात आपके कुछ मानने लायक है। तो मानने लायक है तो मैं बिल्कुल मान लूंगा, क्यों मेरे भाई साहब है, मानने लायक होगी तो मैं बिल्कुल मान लूंगा। लीजिए सपना जी, आप बैठ के सपना देखिए, सपना देखिए अच्छे तरीके से, ये क्वेश्चन देखिए सपना जी। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, गलत जवाब। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, सही जवाब। तो ये सही है, तो मेरे प्यारे साथियों आंसर ऑप्शन नंबर बी ही रही है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ कहां कहां बबुआ याद हो गया, तो असम के बारे में बात करें, सिक्किम के बारे में बात करें, और तीसरा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा,
अरुणाचल प्रदेश। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, अपना आंसर फेंकिए, अगला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि इन नवंबर 2006 डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड द इंटरसेप्शन टेस्ट यूजिंग पृथ्वी 2 मिसाइल। नवंबर 2006 में डीआरडीओ ने पृथ्वी 2 मिसाइल का प्रयोग कर सफलतापूर्वक अवरोधन परीक्षण किया। दूसरा पढ़ लीजिए भाई साहब, पृथ्वी 2 एक थल से थल मिसाइल है जो और वह महानगरों पर हवाई हमलों से रक्षण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों का जवाब क्या आएगा जल्दी से बता दीजिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, इसके बारे में बताइए कि कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी 2 के बारे में बात कर रहा है, पृथ्वी 2 मिसाइल का प्रयोग कर सफलतापूर्वक अवरोधन परीक्षण किया गया नवंबर 2006 में, तो मुझे लगता है कि ये बात आपकी सही है। दूसरा पढ़ लीजिए, सरफेस टू सरफेस मिसाइल एंड कैन बी डिप्लॉयड टू गार्ड द मेट्रोज अगेंस्ट एयर अटैक। ये आपका मुझे लगता है कि गलत जवाब हो जाएगा। तो सही जवाब के बारे में बात करें तो ओनली वन आपका जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है जी, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है, इसके बारे में अगर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है, स्टेटमेंट नंबर बी आपका करेक्ट नहीं है। इस तरीके से आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। तो बाकी के लिए आज आप लोग बता दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी आप लोगों को क्लास। देखिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे और टोटल हमने कितने के उस क्वेश्चन कर लिए एक बार जरा सा देख लेते हैं, टोटल आप लोगों को कितना क्वेश्चन मैंने करा दिया, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, टोटल 25 क्वेश्चन। जल्दी से अपना स्कोर बताओ, जल्दी से अपना क्या बता दो, स्कोर बता दो कि आपका आज का स्कोर क्या रहा, और स्कोर क्या रहा इसके बारे में बता दीजिए। और साथ ही साथ आपको ये सेशन कैसा लगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपको सीखने को मिले। और डेली अगर 25 क्वेश्चन में 10 भी नए क्वेश्चन आप सीख जाते हैं या 5 भी नए क्वेश्चन सीख जाते हैं तो 25x30 के बारे में बात करें, डेली के बारे में बात करें, सॉरी 5x30 के बारे में बात करें, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो 5x30 के बारे में बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 150 नए क्वेश्चंस आप लोग हर महीने अगर सीखते हैं तो 150 में आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा भाई साहब, 150 के बारे में बात करें 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1800 नए क्वेश्चन आप लोग एक साल के अंदर में सीख जाएंगे। तो आपका कोई जोर लेने वाला होगा भाई साहब, आपका कोई मुकाबला करने वाला होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नींद वाली क्लास नहीं थी, मैं नशे में भाई साहब नहीं था, मैं तो एकदम अच्छी स्थिति में था, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ मेरे प्यारे साथियों, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, मेरे हौसलों का उड़ान अभी बाकी है, अभी तो मैंने नापी है मुट्ठी भर जमीन, बाकी सारा आसमान अभी बाकी है। बात समझ में आ रहा है, ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं। प्रिंस ठाकुर बोल रहे हैं, वाह गुरुजी बड़े स्मार्ट लग रहे हो, पूरा गुलाब का फूल लग रहे हो गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। अच्छा जी, मतलब मैं खाली गुलाब का फूल वे लग रहा हूँ और कुछ मेरा कंटेंट वा आपको कुछ नहीं दिखा, हद कर दिया आपने तो। ये तो गलत बात है प्रिंस ठाकुर जी, अब इतना हमारा तारीफ कीजिएगा मैं तो यहीं पे गिर जाऊंगा नाच के, इतना भी मैं स्मार्ट नहीं हूँ जितना आप मेरे को बोल रहे हैं, यानी कि आप हमको चढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, होता है सबके साथ, होता है, कोई बात नहीं होता, चले खैर कोई बात नहीं। तो आप सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताना, बाकी आज के लिए आप लोग तैयार होना 5:30 बजे आज हम लोग मिलेंगे, कितने बजे, 5:30 पे आज आप लोगों से मिलूंगा। और आज से अपनी जीके जीएस की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग इस क्लास में आ जाना, आसान आसान से क्वेश्चन होंगे, मजेदार से क्वेश्चन होंगे, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मिलेंगे फिर से, और कल से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरे अपने जोश में आ जाऊं और बेहतर तरीके से आपके करंट अफेयर्स की क्लास को भी मैं कंटिन्यू कर दूं। बाकी के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। प्रिंस नहीं, प्रिंसेज है वो, अच्छा कोई बात नहीं, वो कोई भी हो उससे हमको क्या ही फर्क पड़ेगा, प्रिंस होगी तो प्रिंसेज होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए मेरी दीदी लोग, आप लोग परेशान मत होइए, कोई असर यहाँ पे आपके भाई को नहीं पड़ने वाला है। आपका कंटेंट गुरु जी आपकी तो, अरे भाई साहब प्रिंस ठाकुर जी आपको क्या हो गया, आप ठीक ठाक तो है ना भाई मेरे। आप खैर थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, मुझे लगता है कि आपको अभी अपना ध्यान रखने की काफी ज्यादा जरूरत है। बाकी के लिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।